कृष्ण भक्ति प्रगदेवी सत्यवत नमो नम श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि भक्तवृंद बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे राम गुरुदेव की जय। हाँ हरे कृष्णा। कल मेरे गुरु जी की जन्मतिथि है, इसलिए मेरे गुरु जी ने अंतिम समय में कुछ उपदेश देकर गए। उसमें 31 उपदेश है, 31 उपदेश है। हम कोशिश करेंगे उन्होंने हमें क्या उपदेश देकर गए हैं वो उपदेश को हम सुनने की कोशिश करेंगे, ठीक है। इनका जो पहला उपदेश है, बोले सद्गुरु पदाश्रय लाभ बद्ध जीवेर पक्षे एकटी महाभाग्यर एवं महासमस्या विषय संदेह नाय। इसका मतलब ये कह रहे हैं गुरुदेव, जो बद्ध जीव है उसके लिए जो सद्गुरु पदाश्रय बड़ा भाग्य का विषय है और बड़े समस्या का विषय है। बोले क्यों? कारण है जो बद्ध जीव है वो लघु है, छोटा है। छोटा होने का नाते गुरु को पहचानना बड़ा कठिन है, इसलिए उनका नाम है गुरु। गुरु मतलब होता है जो भारी है, गुरु मतलब होता है जो भारी, जो महान है। अभी महान व्यक्ति को साधारण व्यक्ति कैसे पहचानेगा? ये गुरु या गुरु नहीं। और भक्ति जगत में जो मेरुदंड है ये गुरु, जैसे हमारा मेरुदंड है इसलिए हम बैठे हुए हैं। अगर हमारी मेरुदंड नहीं होता हम बैठ नहीं सकते। फिर उसी तरह भक्ति जगत का सबसे पहले वो गुरु है। गुरु जैसे होगा फिर भक्ति भी हम वैसे करेंगे। चूंकि अभी हम सद्गुरु का चरणाश्रय किया है तब भी हम अभी शुद्ध भक्ति को बाहर में समझ रहे हैं। हाँ, भक्ति क्या है, कैसे करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए। अगर हमें सद्गुरु नहीं मिलते तो फिर तो अगर ज्ञानी कर्मी योगी भोगी अगर ऐसे गुरु मिलते तो हम भक्ति में नहीं होते। हम भक्ति जगत में नहीं, हम और कोई दूसरे रास्ता में होते हैं। इसलिए यहाँ पर गुरुदेव कह रहे हैं बद्ध जीव के लिए जो सद्गुरु जो प्राप्ति है ये साधारण भाग्य से ये सद्गुरु जीव को नहीं मिलती है। कहते अगर करोड़ों करोड़ों जन्म का कोई भक्ति उन्मुखी सुकृत उदय हो, इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु रूप गोस्वामी को ये बात रूप गोस्वामी को बोलते हैं। कहते ब्रह्मांड भ्रमित कौन भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता हुई है। पर बेटे मेरे बेटे प्रभु जी कहाँ गए? इसलिए हरे कृष्ण। इसलिए कहते ब्रह्मांड भ्रमित कौन भाग्यवान जी गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता हुई। इसलिए श्रीमान महाप्रभु रूप गोस्वामी को कह रहे हैं कहते ये जीवन में सदगुरु का प्राप्त कब हुआ। महाप्रभु कह रहे हैं हम अनादिकाल से भगवान से बिछड़े हुए हैं। बिछड़ करके तरह तरह का जन्म में हम भटक रहे हैं। कभी राजा बनते हैं, कभी प्रजा बनते हैं, कभी देवता बनते हैं, कभी नरक में जाते हैं, कभी स्वर्ग में जाते हैं, कभी पेड़ बने, कभी कीड़े बने। ऐसे ही हम क्या कर रहे हैं, हम चौदह ब्रह्मांड में ऐसे भटक रहे हैं। लेकिन भटकते भटकते हमारा कहीं ना कहीं जान और अनजान में
भक्ति उन्मुख स्मृति उदय हो जाए। कहते हैं भक्ति उन्मुख स्मृति क्या है, हैं? कहते जान अनजान में कहीं कथा हो रही है, कहीं कथा में बैठ कर कथा सुन रही, नहीं तो कहीं ठाकुर जी के प्रसाद कोई वितरण कर रहे हैं, कहीं प्रसाद हमने सेवा कर लिया, कहीं साधु सवन कर लिया, नहीं तो साधु गुरु वैष्णव सेवा में हमने कोई वस्तु को दे दिया जो कि साधुओं की सेवा में वैष्णव को सेवा में लग दिया, इसलिए इसको कहते हैं भक्ति उन्मुख स्मृति है। और एक होता है पाप और एक होता है पुण्य। कहते पाप का फल क्या, नरक जाना, लेकिन नरक जब भोग जाएगा फिर क्या करोगे, फिर यहीं आओगे। कहते पुण्य का फल क्या है, दुखी दरिद्र को सेवा करना, स्कूल कॉलेज खोलना, उसका फल किया बोले स्वर्ग। फिर जब स्वर्ग खत्म हो जाएगा फिर तुमको यही रहना, लेकिन जो एक सुकृति है इससे अलग चीज, इसलिए उत्तम कृतियाँ। कहते जो उत्तम कृति, जो पाप और जो पुण्य, ये शरीर संबंधी वस्तु है, जैसे शरीर नष्ट हो जाती है कहते वो वस्तु भी वैसे नष्ट हो जाती है, लेकिन जो सुकृति है वो शरीर संबंधी वस्तु नहीं, ये आत्मा संबंधी वस्तु है। आत्मा जैसे नित्य शाश्वत अमर है, कहते जो सुकृति भी ये नित्य शाश्वत है, ये सुकृति भी कभी नष्ट नहीं होता है, अगर कहीं वैष्णव और भगवान के लिए होनी चाहिए, ये चीज वैष्णव और भगवान के लिए होनी चाहिए तभी सुकृति बनेगा, दूसरे के लिए होगा तो नहीं बनेगा, ये होनी चाहिए भगवान। जैसे आप धाम में आए हो, वृंदावन परिक्रमा कर रहे हो, ब्रजमंडल परिक्रमा, गिरिराज की परिक्रमा, सवेरे मंगला आरती दर्शन करते हो, तुलसी परिक्रमा कर रहे हो, हरि कथा सुन रहे हो, ये भगवत संबंध है, क्योंकि आत्मा की परमात्मा का साथ में संबंध है, ये भगवत और भक्त संबंध है। अगर वो अगर शुद्ध भक्तों का संबंध ही हो, शुद्ध भक्तों का कोई वस्तु अपने उनको दान में दे दिया, किसी तरह से उनकी सेवा कर दिया, जैसे भागवत में आती है कृष्ण का बच्चे जब खेल रहे थे, उन्होंने देखा कुएं में एक गिलास पड़ा हुआ, गिरगिट पड़ा हुआ, और वो टस से मस भी नहीं हो पा रहा है, हैं? और कुआ छोटा और वो गिलास बड़ा है, वो टस से मस भी नहीं हो पा रहा है। अभी उसने कृष्ण का बच्चों ने कोशिश की निकालने के लिए, लेकिन निकाल नहीं पाए। कृष्ण को बुलाए, बोले पिताजी पिताजी देखो, उन्होंने देखा गिरगिट पड़ा हुआ। कृष्ण सब जानते हैं चरण बढ़ाया तो चरण स्पर्श होते ही वो गिरगिट बड़ा सुंदर देवता बन गया। कृष्ण का बच्चा हैरान हो गया, ये क्या? कृष्ण पूछे आपको नहीं, बोले प्रभु आप तो सब जानते हैं, क्या नहीं जानते? अब सुने होंगे सत्य युग में एक मृग नाम के राजा हुए थे, हाँ, कहते पृथ्वी का सबसे बड़े दानी है, कहते धूल का कणिका को कोई गिन सकता है, बारिश का बूंद को कोई गिन सकता, लेकिन इनके दान को कोई नहीं गिन सकता है, हैं? तो फिर आपको ये किकला से क्यों बनना पड़ा है, तो किकला से क्यों बनना पड़ा है, बोले हमारी गलती से गलती हो गई, मैंने गैया को दान देता था ब्राह्मण को, लेकिन जो गैया हमने दान दिया भूल से वो पैसा आ करके सब गया में मिल गया, फिर मैंने संकल्प करके दूसरों को दे दिया। अभी दोनों ब्राह्मण रास्ता में लड़ाई झगड़ा, ये मेरे ये तेरे बोल कर लड़ाई किया, और लास्ट में ब्राह्मणों को राजा के पास में गया, राजा ने माफी मांगी, लेकिन ये दोनों ब्राह्मण सुने ही नहीं, तुम गिरगिट जैसे रंग बदलाते हो, जाओ तुमको गिरगिट बनना पड़ेगा, इसलिए मेरे को गिरगिट बनना पड़ेगा, हैं? सत्य युग से लास्ट में लेकर के द्वापर का लास्ट तक उनको ये गिरगिट बनना पड़ा इसको, इसलिए कहते जो पुण्य का जो फल है, हैं? पुण्य का जो फल है कभी कभी गड़बड़ी हो जाती है, अगर भूल से कभी इधर उधर हो गया ना फिर वो गड़बड़ी हो जाती है, हैं? लेकिन कहते इसको फिर कृष्ण दर्शन कैसे मिला, पुण्य का फल कृष्ण दर्शन नहीं, पुण्य का फल स्वर्ग है, स्वर्ग खत्म होते फिर आओगे, लेकिन कृष्ण दर्शन कैसे मिला, बल्कि इनकी स्वभाव में था साधु सेवा, स्वभाव में था दान करना। एक दिन सचमुच से इनके घर में कोई शुद्ध एक साधु आया, तो उनने शुद्ध साधु को बैठा करके भोजन करवाया, बोले आपको कुछ चाहिए, बोले एक भागवत ग्रंथ हमें मैं पढ़ना चाहता हूँ, तो उन्होंने ताल पत्ते को ऊपर में
भागवत ग्रंथ लिखवा करके उनको दान करवाए। भागवत कृष्ण स्वरूप है, रोज ही भागवत ग्रंथ पढ़ते थे, रोज भागवत ग्रंथ पढ़ते थे। इसलिए केवल एक जो साधु सेवा उन्होंने किया, इसका फल क्या मिला? कृष्ण दर्शन। लेकिन उसने जो इतने ब्राह्मण को कर्मी कांडी ब्राह्मण को दान दिया, इसका क्या फल हुआ? गिरगिट। उसका फल गिरगिट है, गिरगिट बनना पड़ा। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं, अगर भक्ति उन्मुखी अगर सुकृति हो है, भक्ति उन्मुखी अगर सुकृति हो, भक्ति उन्मुखी मतलब अगर भगवान की भक्तों के लिए, शुद्ध भक्त के लिए अगर कुछ किए होंगे और भगवान के लिए अगर हम कुछ किए होंगे, जिसका फल सुकृति है, उत्तम कृति का फल क्या है? बल जीवन में शुद्ध साधुओं का दर्शन, शुद्ध साधु दर्शन है। इसलिए महाप्रभु कहते हैं, ये ब्रह्मांड भ्रमण करते 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 किसी सौभाग्य व्यक्ति को जीवन में शुद्ध साधु दर्शन मिलता है। यदि सौभाग्यवान कौन है? अगर पूर्व जन्म में जो भक्ति उन्मुख सुकृत जिसको, उसको क्या होता है? जीवन में शुद्ध साधु का दर्शन मिलता है। अगर सचमुच से हमें शुद्ध साधु दर्शन मिल जाए, अभी गुरु जो बोलेंगे वही तो चलेंगे, अभी गुरु जो बोलेंगे तो वही पर उधर की तरफ चलेंगे। अगर कर्मी ज्ञानी भोगी जोगी उल्टा पुलटा बहुत संप्रदाय, अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि तुम वही ब्रह्म हो, तुम वही हो है, अगर वो संग मिल जाता तो हम बैठ करके करते, मैं वही ब्रह्म हूँ, अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि तुम वही हो, फिर तो वो ब्रह्म में लीन होने के लिए कोशिश करते। अगर कोई कर्मी गुरु का संग मिलते तो फिर हम क्या करते? कर्म करो कर्म करो कर्म करो करो, उधर हम फंसते हैं। इसलिए कोई जोगी गुरु मिल जाता तो फिर योग साधन करते। लेकिन हमें कौन सा गुरु मिला? हमें साधु जी, साधु गुरु मिले। इसलिए हम क्या कर रहे हैं? भगवान की शुद्ध भक्ति को हम अपना जीवन में शुद्ध भक्ति तरफ में हम चल रहे हैं, क्यों? हमें शुद्ध भक्तों का संग मिला। इसलिए यहाँ पर मेरे गुरुदेव कह रहे हैं, बद्ध जीव के लिए सदगुरु मिलना ये बहुत बड़ा भाग्य की बात है, बहुत बड़े भाग्य की बात है, हैं? तभी जीवन में ये सदगुरु मिलेगा। अगर पूर्व पूर्व जन्म में अगर हमारी भक्ति उन्मुख सुकृति हो, मतलब बड़े भाग्यवान हो, तभी जीवन में सदगुरु शुद्ध साधु का दर्शन मिलता है। इसलिए मतलब हम लोग जो महाप्रभु का लाइन में आए हैं, हम लोग बड़े सौभाग्यवान हैं। हम इधर उधर नहीं फंस करके जो रामायण में शुद्ध रूप में बताया, जो भागवत में बताया, जो हमारी पुराण में बताया है, इसलिए हम वो गीता में जो बात बताया हम उसी तरफ पे चल रहे हैं, हाँ, हम उसी लाइन पर चल रहे हैं। हम शुद्ध भक्तों की मार्ग से हम लोग हटे नहीं, हम शुद्ध भक्ति मार्ग और रास्ता पर हम चल रहे हैं। इसलिए हम बड़े भाग्यवान हैं। इसलिए गुरुदेव कह रहे हैं, किंतु भाग्यवान जी मेरे प्रकृत सदगुरु लाभ निष्कपट आकांक्षा आरती था कि ले कृष्ण कृपा लाभ है। तो इसमें कह रहे हैं, फिर जीवन में हमें ये सदगुरु मिलेगा कैसे? एक तो हमें पूर्व जन्म का शुद्ध सुकृति है, एक सुकृति से। दूसरा कारण हो रहा है, अगर निष्कपट हृदय से अगर हम भगवान को पुकारेंगे निष्कपट होकर के, फिर भगवत इच्छा से वो सदगुरु मिले। इसलिए इसमें श्री महाप्रभु कह रहे हैं, गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता। तो उन्होंने उदाहरण दिया, भक्ति एक लता है, लेकिन बीज के बगैर लता तो नहीं हो सकती है। लेकिन वो बीज मिलेगा कहाँ से? बोले गुरु और कृष्ण दोनों कृपा होनी चाहिए। अभी गुरु जी से तो हमारे नाम लिए, मंत्र लिए, लेकिन गुरु जी को हमारा पास में भेजा किसने? कृष्ण। गुरु हमें भेजा कैसे? अरे हम सदगुरु के पास में पहुंचे कैसे? यहाँ तक आ रहे थे किसने? कृष्ण। इसलिए कृष्ण का एक नाम है, कृष्णंग बंदे जगत गुरु कहते ना, कृष्णंग बंदे जगत गुरु। इसलिए जगत गुरु कौन है? भगवान कृष्ण। इसलिए बिल्लो मंगल प्रार्थना करते हैं, शिक्षा गुरु में सीखी कुछ मौली, कहते मेरे शिक्षा गुरु कौन है? बोले कृष्ण, कृष्ण हमारे शिक्षा गुरु, क्योंकि उन्होंने हमें
ये भक्ति मार्ग पर भगवान यहाँ तक हमें लाए हैं, अगर वे अगर नहीं लाते तो हम नहीं जा सकते। जैसे उदाहरण दिया ध्रुव महाराज हैं, ध्रुव महाराज जब भजन किया निष्कपट से सच हृदय से जब उन्होंने भजन किया, मेरे पद्म पलाश लोचन श्रीहरि कहाँ हैं, हाथ बाघ को देखे तो उनको भी आलिंगन कर लेते हैं, सिंहों को देखे तो उसको भी आलिंगन कर लेते हैं, तुम क्या मेरे वही पद्म पलाश लोचन श्रीहरि हो, लेकिन उसको कोई नहीं काटते, उसको कोई नहीं काटते। बोले क्यों? बोले उसकी हृदय में कोई ईर्ष्या द्वेष नहीं है, उसका हृदय सरल भाव है, उसका हृदय सरल भाव उसना हृदय में, इसलिए उसको कोई कुछ नहीं बोलते, कोई कुछ नहीं बोलते। फिर एक दिन वैकुंठ में भगवान स्वयं चंचल हो गए। लक्ष्मी बोले प्रभु आप इतने चंचल क्यों हो? बोले मेरा एक छोटा बच्चा ध्रुव है, मेरी तपस्या कर रहे हैं। बोले जाओ ना दर्शन दो। बोले मैं भी बंधा हुआ। बोले क्यों? बोले अभी तक उसने कोई सदगुरु ग्रहण नहीं किया है, अभी उसकी सदगुरु का चरण आश्रय नहीं लिया है, इसलिए मैं नहीं जा सकता हूँ। बोले आप इच्छा करने पर वो जाते हैं। हाँ, तो उन्होंने नारद जी को भेज दिया। बोले नारद जाओ, तुम जाकर उसको अच्छे तरह से परीक्षा करो, परीक्षा करके उसको मंत्र दे करके आओ। फिर नारद जी आकर के अच्छे तरह से ठोक पीट करके उसको परीक्षा करते हैं, ठोक पीट कर परीक्षा करते हैं। बोले ये कोई भजन करने का उम्र, तेरे पिताजी ढूंढ रहे हैं, चले जा। अरे मैया थोड़ी सी बात बोल दिया तो तुम क्रोधित होकर के सब छोड़कर भजन करने के लिए आ गए, ये कोई भजन करने का उम्र, चले जा, तू तेरे पिताजी ढूंढ रहे हैं। ध्रुव जी ने कहा आप कौन हो? बोले मैं नारद हूँ। बोले लगता है आप नारद नहीं हो, आप कोई डुप्लीकेट के नारद हो। बोले क्यों? बोले हमने सुना है नारद सभी को भक्ति की उपदेश देते हैं, लेकिन तो आप घर हो, घर में चले जाओ भैया, आया हूँ तेरे द्वार पे, हैं कुछ करके दिखाऊंगा, हैं भले ये मर मिट जाए, हम तो भगवान को पा करके हम छोड़ेंगे नहीं तो छोड़ेंगे नहीं, हैं इसलिए जब आया हूँ हम कुछ करके ही मैं जाऊंगा, इसलिए आप केवल मेरे को मंत्र दे दो, फिर देखो मैं क्या करता हूँ, देखो फिर मैं क्या करता हूँ, आप केवल इतना ही देखो और मेरे को मंत्र दे दो। और प्रहलाद ध्रुव ने कहा अगर आप सचमुच से नारद हो फिर तो मेरे को पूर्ण विश्वास हो गया, क्या हो गया, जरूर हम भगवान मिलेंगे, क्योंकि जब भजन करने के लिए जाते हैं जब शुद्ध वैष्णव का दर्शन हो जाए आस पक्का हो गया भगवान मिलने, भगवान हमें जरूर भगवान मिलेंगे, तुम पक्का मेरे विश्वास हो गया, हम तो जरूर प्रभु को पा करके रहेंगे। इसलिए फिर उन्होंने मंत्र दिया, फिर भजन किया 6 महीना में। इसलिए गुरुदेव कहते हैं अगर तुम्हारी निष्कपट हृदय में है कपट रही हो करके अगर भगवान को हम पुकारेंगे तो भगवान क्या करेंगे, हमें सही सही मार्ग पर ठाकुर जी हमें पहुंचा देंगे, सही रास्ता हमें ठाकुर जी दिखा देंगे, सही रास्ता। इसलिए समझो शायद हमारी जो सुकृति अच्छी सुकृति पूर्व जन्म की अच्छी सुकृति थी, और ठाकुर जी की हम लोगों को बड़ी विशेष कृपा है जो कि हम श्री गुरु जी के पास में हम लोग सतगुरु के पास में आए और सही लाइन पर हम चल रहे हैं, हम कोई गलत लाइन पर नहीं। कभी हमारे गुरुदेव का पहला ये उपदेश है। दूसरा है कभी जो बद्ध जीव अत्यंत लघु तार पक्षे गुरु गुरुत्व उपलब्धि कर असंभव, उनका दूसरा उपदेश है जो बद्ध जीव है बहुत छोटा है, हम लोग बहुत बहुत हम लोग छोटे हैं, आज आज इधर आ जाओ, लेकिन हम लोगों के लिए जो गुरु का जो गुरुत्व है, गुरु का नाम ही गुरु है, गुरु मतलब होता है भारी भोजन है, इसलिए कहते गुरु का जो गुरुत्व है, आ जाओ कहते गुरु का जो गुरुत्व है ये बद्ध जीव के लिए छोटे जीव के लिए समझना बड़ा कठिन है, तो तुम उधर बढ़िया ऊपर बैठ जाओ, ऊपर बैठ जाओ, नहीं तुम नहीं ऊपर बैठ जाओ, इसलिए जो छोटे जो जीव है हैं, इसलिए भगवान की जो गुरुत्व है, ठाकुर जी का जो गुरु जी का जो गुरुत्व है, जो महत्व जो बद्ध जीव है
वो समझ नहीं सकते, इसलिए पहचानना हमारे लिए सद्गुरु को बड़ा कठिन। और कोई आए हो इधर आ जाओ, थोड़ी तुम लोग थोड़ी थोड़ी पास पे आ जाओगे। हरे कृष्ण, इधर किसे कर भाई, और उधर पास में लग जाओ बाबा, अब इधर आ जाओ बाबा जी, अब इधर आप दोनों इधर आ जाओ। तो भी थोड़ा दूर सर, इधर इधर आ, और था पास में इधर आ, तुम अंदर में आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। इसलिए कहते जो गुरु वस्तु है, जो भारी वस्तु है, उनको छोटे व्यक्ति उनको पहचान नहीं सकते हैं। इसलिए हम गुरु जी को अगर हम सोचेंगे अरे गुरु जी को हम बजा करके देख लेंगे, ये गुरु सही ना गलत है, हम उसको थोड़ा बजा करके देख लेते हैं, कहते नहीं हम महान पुरुषों को हम समझ नहीं सकते। इसलिए श्री जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज हमारे गुरु जी की जो गुरु जी थे वो क्या करते थे, जो मछली का कांटा होता था वो चार तरफ में बिछा कर रख लेते थे और उसको बीच में बैठ जाते थे और माला लेकर के हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, उसको बीच में बैठ कर भजन करते थे। बोले क्यों, बोले हमें कोई डिस्टर्ब नहीं करते, कोई यहाँ पर आकर देखेगा ना मछली को कांटा बिछा हुआ, बोले भैया ये मछली खाने वाला बाबा है, ये मछली खाने वाला बाबा, इनके पास बता जो कांटा चार तरफ पड़े हुआ मछली तो कांटा होगा, तो कांटा पड़ा हुआ। और श्री श्री गौरकिशोर दास बाबा जी महाराज वो क्या करते थे, बोले पायखाना के अंदर में जो पुराना जो पायखाना है, जो कोई नहीं करता है पायखाना व्यवहार करते थे, उसको अंदर में बैठ कर भजन करते थे, उसके अंदर में लोग इसको गंदा मान कर कोई नहीं आए हैं। इसलिए बोलते थे अगर संसार में आएंगे तो सब लोग साधु मान करके सबको उनके पास में आते हैं ना, और दुनिया की सारी बात करते थे हमारे अंदर में ऐसे हो गया बेटा बहू लड़ाई हो गई संसार में, ये सारा दुनिया की बात करेंगे, उससे तो ये बदबू सही है लेकिन उस संसार की बदबू सही नहीं। इसलिए साधु लोग शंकर जी कहाँ रहते हैं, शंकर जी शरीर में ये जटाजूट क्यों धारण करके रखे, शंकर जी इस जटाजूट छाप बिच्छू राग शरीर में क्यों मले, शंकर जी कारण क्या, कारण क्या बोले, कारण है लोग हमें अपवित्र मान करके हमारे पास में कोई लोग जैसे आए नहीं है? कोई जैसे लोग हमारे पास में नहीं आए, दूर में हमसे रहे है? इसलिए शंकर जी उसने से कोशिश किया, शंकर जी संत हैं, संत क्या करते हैं वो अपने आप को बस हिंदी बुझ भर से तो हाँ बस हर कुछ माई कहाँ गया। इसलिए शंकर जी हैं, शंकर जी अपने आप उन्होंने छुपाने के लिए शंकर जी कोशिश करते हैं लेकिन शंकर जी अपने आप को छुपा नहीं सके। बोले क्यों, कारण है शंकर जी के पास में सबसे पवित्र वस्तु शंकर जी के पास में, बोले क्या है शंकर जी के पास में, तो शंकर जी के पास में सबसे पवित्र वस्तु श्री गंगा है, उनका जटा में गंगा है और गंगा सबसे पवित्र वस्तु है। इसलिए शंकर तो छुपाने के लिए कोशिश की, हाँ शरीर में राख मले
जटाजूट सांप बिच्छू, लेकिन शंकर जी छुपा नहीं सके। क्यों? उनको पास में सबसे पवित्र वस्तु श्री गंगा देवी, श्री गंगा देवी, इसलिए शंकर जी अपने आप को शंकर जी छुपा नहीं पाए। अच्छा कि बस आप लोग वहां आसन देना, दर्जा खोली दियो टिकिया पर मु हाँ हल्ला कर चंदी ना किया हल्ला कर चंदी हाँ हरे कृष्ण से बस ऐसे थे सुनी पार जो सब आवाज आती जोर है हरे कृष्ण हरे बोल हरे कृष्ण। इसलिए शंकर जी अपने आप को तो छुपाने की कोशिश की लेकिन छुपा नहीं सके। क्यों? उनके पास में सबसे बड़ा पवित्र वस्तु श्री गंगा जी जटा में, इसलिए शंकर जी अपने आप को छुपा नहीं सके। लेकिन इसलिए लेकिन संत लोग क्या चाहते हैं? अपने आप को छुपाने के लिए चाहते हैं। इसलिए यहाँ पर कहते हैं गुरु जी की जो गुरुत्व है, हैं? गुरु जी की जो महिमा है, जो छोटे व्यक्ति उनकी महिमा को समझ नहीं सकते हैं। कोई सोचे हम अपना बुद्धि दे करके समझेंगे, बिल्कुल नहीं, हम अपना बुद्धि से उनको समझ नहीं सकते हैं। बोले भैया फिर कैसे समझेंगे? तो उन्होंने उदाहरण दिया गुरु जी, जैसे रात में अगर हम सूरज देखना चाहते हैं, रात को सूरज दिख सकती है? अगर कोई बोले जितने पृथ्वी में सारे लाइट एक साथ में जला दो तब सूरज दिखेगा, सारे लाइट अगर जला दोगे तो सूरज दिखेगा? सूरज सूरज नहीं दिखेगा, क्योंकि फिर सूरज दिखेगा कब? जब सवेरे सूरज उदय हो, फिर उसका जो प्रकाश हमारे आंखों में पड़े, उनकी प्रकाश जब हमारे आंखों में पड़ेगा, सूर्य की आलोक को द्वारा हम सूर्य को देख सकते हैं। अपने आप उनको नहीं देख सकते, सूर्य का आलोक से ही सूर्य को हम देख सकते हैं, नहीं तो हम सूर्य को देख नहीं सकते हैं। किंतु उसी तरह जब हमें भगवान की कृपा हो, साधु की कृपा हो, तब भी हम सद्गुरु को पहचान सकते हैं। अपना बुद्धि विवेक से हम साधु को पहचान नहीं पाएंगे। ये इनकी गुरुदेव का ये दूसरा उपदेश है। जो तीसरा उपदेश है, बोले भक्ति उन्मुख शुक्र से जन्म जन्मांतर धरिया संचित हैले, कौन ना कौन जन्म से कृष्ण कृपाए, कृष्ण भक्त गुरु साक्षात कर घटे, से कृष्ण भक्त गुरुदेवेर कृपाए तार मुखे, हरि कथा श्रवण करते हृदय भक्ति उद्रेक अनुभव करे, एवं सूर्य आलोक सूर्य साधु कृपाए साधु पदा से हरिभजन उत्कट लसा जाए। तब यहाँ पर कह रहे हैं अभी प्रश्न है, पर साधु को पहचानेंगे कैसे? तो तभी साधु को हम पहचान सकते हैं जब हमारी पूर्व जन्म का भक्ति उन्मुक्त सुकृत जब जाता होगी पूर्व जन्म में, फिर उसको द्वारा क्या होगा? कृष्ण कृपा को द्वारा ही फिर जीवन में हमें सदगुरु की प्राप्ति होती है। सदगुरु की प्राप्त होने पर हम गुरु जी के मुख से पर हरि कथा सुनते हैं, हरि कथा श्रवण करते 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 धीरे 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 साधु की कृपा से ही हम साधु को पहचान पाते हैं। फिर हमारे हृदय में साधु चरणों को आश्रय ग्रहण करने की फिर उत्कट लालसा जगता है, क्योंकि जब हम कथा सुनेंगे फिर हमें पता चलेगा, नहीं भैया जब तक हम किसी शुद्ध गुरु का चरण आश्रय नहीं ग्रहण करते हैं तब तक हमें भगवत प्राप्ति हो नहीं सकती, अपने आप हमें भगवत प्राप्ति होएगी नहीं। इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें सद्गुरु का चरणों का आश्रय ले करके हमें हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। फिर हम क्या करते हैं? फिर सदगुरु का चरण को हम आश्रय ग्रहण करते हैं, क्यों? साधु संग हुआ, पता चला बगैर गुरु के जीव को प्रभु को प्राप्ति नहीं हो सकती है, हैं? इसलिए हमने कथा सुना ना, बोले एक समय कोई एक साधु कहीं कथा सुना रहा था, कथा सुनाते सुनाते बोला देखो अगर कोई ठाकुर जी का नाम ग्रहण करते हैं वो भवसागर से पार हो जाता है। उसी घर में के तोता रहता था पिंजरा, बोले झूठ भी बोल रहे हो, गुरु का चरण आश्रय भगवान का नाम लेने से अजीब भवसागर से पार हो जाता है। तू देख राम राम राधे राधे कृष्ण कृष्ण में सबको बोलता रहता हूँ,
अभी ये छोटा सा पिंजरा से ही मेरे को उधार नहीं मिला। अब तू तो बहुत बड़ी बात कह रहे हो, भगवान का नाम लेने से जी भवसागर से पार हो जाते, तो बहुत तो बहुत बड़ी बात है, हैं? ये भवसागर से पार होना कोई साधारण थोड़ी बात है, क्यों सब झूठ बात कहते हो? वो साधु तो चुप हो गया, उसको बोली बंद कर दी। फिर वो जो घर में आया, आ करके बोले उसको, उसका जो गुरु जी की बोले, बोले गुरु जी उसके घर में मैं कथा सुना रहा था, जब मैंने बोला भगवान का नाम लेने से जीव भवसागर से पार हो जाता है, उसने मेरे को ऐसे ऐसे बात बताया। बोले देखो ये छोटा सा पिंजरा से मेरी उद्धार नहीं हुई, और ये भवसागर तो बहुत बड़ी चीज है, हैं? मैं तो सबको राम राम राधे राधे बोलते रहता हूँ। गुरु जी ने कहा ठीक है, फिर तेरे साथ में इस पैर में कल चलूंगा। बोले जा तू कथा सुना। फिर उसने कथा सुनाया, अगर जो भगवान का नाम ग्रहण करता है वो व्यक्ति भवसागर से तर जाता है। इतने में फिर तोता बोल उठा, क्यों झूठ बात कहते हो, हैं? भवसागर से तर जाता है, तो मेरे को देखना। मालिक को जब जब मालिक आए राधे राधे राम राम कृष्ण कृष्ण बोलता रहता हूँ, ये पिंजरा से मेरी उद्धार नहीं हुई, बड़े भवसागर से बाहर हो जाएंगे। उसको गुरु जी वहीं पर थे, बोले देख बेटा इसलिए तेरे को भवसागर से पार नहीं हो पा रहे हो, तुमने जो नाम है ना अपने आप तुम कर रहे हो, तुमने किसी सदगुरु की मुंह से उससे तुमने नाम नहीं लिया, इसलिए तेरे को ये पिंजरा से मुक्ति नहीं मिल रही है। तो करते तो राम राम राधे राधे कृष्ण कृष्ण दिन भर करते, लेकिन सदगुरु आश्रय नहीं लिया है। फिर उसने कहा ये बात सही बता रहे, तो फिर आप ही मेरे को नाम दे दो कानों में, दो मेरे कानों में मंत्र दे दो। फिर उन्होंने उसको कानों में भगवान का नाम सुनाया, कहा देख बेटा तब तक तेरे को यहाँ से मुक्ति नहीं मिलेगी जब तक तू ये राम नाम कृष्ण कृष्ण इसको अंदर में बोलते रहोगे। आज एक काम करना, जब ये भागवत कथा समाप्त हो जाएगी तुमने एक बहानाबाजी करना, जैसे तुमने शरीर छोड़ दिया हो, जैसे तुमने शरीर छोड़ दिए। जब तुम शरीर छोड़ दोगे फिर तुम्हारी अंदर से निकालेंगे अर्थी सजाएंगे, जो अर्थी में ले जाके भर कर घूर जाना। उसने क्या किया, जब कथा समाप्त हो गई, कथा समाप्त होते ही उसने ठीक ऐसे किया एकदम, आश्चर्य हो गया, गिर पड़ा। लोग ने बोला वाह देखो ये तोता कितने सौभाग्यवान है, ये कथा सुनते सुनते अपना देह त्याग दिया, मतलब इसको पूरा मुक्ति हो गई, पूरा वैकुंठ प्राप्त। चलो इसका आरती निकालते हैं। अभी पिंजरा से निकाले, आरती सजाया, गले में सुंदर माला पहना करके, जब आरती में रख करके राम नाम सत्य करते करते कंधे पर ले जाते ना, इतने में जो तोता फर करके उड़ गया। जब उड़ गया इतने में वो साधु कहता है क्यों तोता, गुरु से मंत्र लेने से मुक्ति मिलती कि नहीं? मिला, हाँ तभी मुक्ति मिलेगी तो गुरु जी से जब नाम लोगे। अभी मैं अपने आप ले रहा था ना, इसलिए हमें मुक्ति नहीं मिली है। इसलिए इसलिए यहाँ पर कहते हैं जब हम साधु संग से हरि कथा सुनेंगे, हरि कथा सुन करके हमें जब ज्ञान होगा, फिर हम सदगुरु का चरण आश्रय ग्रहण करेंगे, फिर क्या होगा, हमें ये संसार समुद्र से हमारी उधार हो जाएगी। फिर जीव क्या करता है, सदगुरु का चरण को आश्रय ग्रहण करते हुए फिर उसने भगवत भजन को करना वो प्रारंभ करते हैं। कभी इनका ये तृतीय उपदेश है, फिर उसका हृदय में हरि भजन करने का उत्कट लालसा जागता है। उत्कट मतलब है नहीं, जब तक हम भगवान की भक्ति नहीं करेंगे तब तक संसार से उद्धार नहीं होगा। इसलिए क्या करना चाहिए, 24 घंटा में 24 घंटा सोते उठते बैठते खाते पीते क्या करो, भगवान का नाम ग्रहण करो, संपूर्ण ये मन को भगवान के भजन में संपूर्ण रूप में लगा दो। कहते इनकी ये तीसरा उपदेश है। कहते जो चौथा उपदेश है, कहते साधु कृपा करिया से निष्कपट शरणागत व्यक्ति के हरि भजन रे पते दीक्षा शिक्षा प्रदान करिया ताकि साधु रूप दास रे फले। हरि भजन करते करते क्रमशः अनर्थ निवृत्त या परमार्थ स्वरूप जानते पारे। फिर वो जीव क्या करता है, हाँ? कहते साधु कृपा करिया, फिर गुरुदेव क्या कहते, कृपा करके वो जो शरणागत व्यक्ति के निष्कपट शरणागत व्यक्ति के हरि भजन रे पते दीक्षा शिक्षा प्रदान करिया ताकि। यहाँ पर कहते हैं
कहते फिर गुरुदेव उसको दीक्षा एवं शिक्षा प्रदान करते हैं। कहते वो कैसे व्यक्ति होनी चाहिए, कहते निष्कपट शरणागति होनी चाहिए, ऐसे नहीं ऊपर दिखाने के लिए एक लेकिन अंदर में हम और एक नहीं। हमें भक्ति जीवन में सरलता की बहुत जरूरत है, इसलिए प्रभुपाद कहते हैं जो कपट व्यक्ति है इनका कल्याण होना बड़ा कठिन है। इसलिए गुरु जी के पास में आकर के कहते बाहर और भीतर हमें दोनों एक होनी चाहिए। इसके बंसुरी कृष्ण क्यों बजाते, उसमें दो गुण है। पहला गुण है उसका अंदर में फोला है, वो खाली है, ये एक पहला गुण। दूसरा है कृष्ण जैसे चाहते हैं वो ऐसे ही बजती है, ये दो गुण होने का नाते कहते ये बंसुरी बजती है। अगर हमारे अंदर में अगर ये दो गुण हो जाए ना हम भी बजने लग जाएंगे, हम भी बजने लग जाएंगे। इसलिए पहला नंबर है सरलता, दूसरा है ठाकुर जी गुरु जी जैसे चाहते हैं हम वैसे हमें चलनी चाहिए। गुरु जी एक बोले हाँ गुरुदेव अगर ये गुरुदेव, इसलिए वहाँ चार तरह का बताया शिष्य है। एक पहला नंबर भ्रमर, भ्रमर मतलब है भौरा देखे ना गुनु 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 करते रहता है। इसलिए गुरु जी ने कहा बेटा जाओ अमुक व्यक्ति को पास में जाकर खबर दे दो, बाकी वो व्यक्ति को बुला दो। शिष्य कहता है गुरुदेव अगर वहां पर गए मिले नहीं तो नहीं, अगर कहीं गए हुए तो अगर वो बोल दिए अभी हमारा काम है अभी नहीं जा सकते हैं, हैं कहते जैसे मतलब गुनगुन 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 करता है ना ऐसे, मतलब गुरुदेव का आदेश पालन करने की इच्छा नहीं, इसलिए बहाना बनाते हैं। दूसरा नंबर कहते बाण, बाण मतलब जैसे तीर है, गुरुदेव किसी काम के लिए भेज रहे हैं अभी गुरुदेव पूरा वाक्यों को पूरी नहीं किए, बोलने का साथ साथ दौड़ पड़े थोड़ी दूरी जब जा करके बोले गुरुदेव तो पूरा बोले ही नहीं, फिर उन्हें वापस आ गए। बोले गुरुदेव आप क्या बोल रहे थे, बोले तो मैं तो यही बोल रहा था पर बात अब पूरी नहीं हुई और तुमने भागना शुरू कर दिया, तुमने भागना शुरू कर दिया। इसलिए कहते हैं शिष्य के हृदय में गुरु जी का प्रति निष्कपट भावना होनी चाहिए, सेवा की भावना होनी चाहिए, तभी कल्याण हो। इसलिए गुरुदेव कथा सुनाते थे एक गुरु जी एक शिष्य को बोले, बोले बेटा उस समय एक रुपया की बड़ा कीमत था, बोले बेटा ये चार रुपया लेकर के चार रसगुल्ला लेकर के आना, उसमें एक एक रसगुल्ला इतने बड़े बड़े होते थे। उसने चार रुपया गुरुदेव ने दिए, उसने दुकान में गया बोले गुरु जी ने बताया था देख करके लाना चाहिए है, रसगुल्ला अच्छी होनी चाहिए, इसने बासी ले आया है। उसने सोचा गुरुदेव ने बोला देख करके लाओ, बोले खाए बगैर पता चलेगा सेट तक बस कथा कर रही कथा चाय वाला मुझे दे साले बंद कर दे। हाँ अपन जब दिल्ली के आरंभ कर दे ना मट्टी के ऊपर बड़े आज भी पुण्य आज ही मुहत्ते ना फिर अमर गुरुदेव मुझे दिल्ली अच्छी था फिर वो समस्त अनाउंसमेंट करिया तो आप काली दिल्ली तब दिल्ली अच्छी कौन कौन करी हमारे समस्त हमारे चांदी आना कौन कोटा साले अपन गुरु महाराज की सेट सर समस्त गोटे काम कर काजु काजु फैक्ट्री अच्छी ना बसवदन ब्रो तुम टाकी देव आम जो गलीटा अच्छी ना हाँ से गली खट से खट अच्छी से खटा सेपटे पकई दबा पकी करे समस्त एटी बस बारी बाहर है डाक दे एटी हाँ आशा आशा काली काली वृंदावन ने काली हाँ गुरुदेव तिथि अच्छी सकाळे तुम काम ईटा ना काजू फैक्ट्री तुम खाली दिव के सेवा लगे ठीक है से पिला मानु बने के से जे खटटा बाहर अछि से जे खटटा बाहर अछि ना से खटटा बाहर अछि से खटटा बाहर से पके दियो
ମୁଁ ଆସୁଛି, ଠିକ୍ ଅଛି। ସେ ଖଟଟା ବାହାରେ ଅଛି, ବାହାରେ ପଡ଼ିଛି, ସେ ଖଟଟା ବାହାରେ ପଡ଼ିଛି, ସେଠି ସେ କୋଣରେ ରଖିଦିଏ, ସମସ୍ତେ ସେଠି ବସି ପଡ଼ିବେ, ସମସ୍ତେ ପଳେଇ ଆସିବେ, ସେଠି ବସିପାରିବେ, ମୁଁ ଆସୁଛି ଦଶ ମିନିଟ୍ ପରେ ପଳେଇ ଆସୁଛି। ହଁ ହରେ କୃଷ୍ଣ। ଇସିଲି ଉନ୍ହେ ବୋଲେ ଦେଖ କରିକେ ଲାନା ରସଗୋଲା, ଓ ସୋଚ ରହେ ହେଁ ଭୟା ପତା କେସେ ଚଲେଗା, ୟେ ରସଗୋଲା ବଢ଼ିଆ ନା ବଢ଼ିଆ ନହିଁ ପତା କେସେ ଚଲେଗା। ଉସନେ ବୋଲେ ଖାଏ ବଗର ତ ପତା ହି ନହିଁ ଚଲ ସକତା ହେ କି ବଢ଼ିଆ ନହିଁ। ଏକ ରୁପିଆ ଦେ କରିକେ ଏକ ରସଗୋଲା ଖରିଦ ଦିଆ ଔର ଉସନେ ଖା ଲିଆ, ବୋଲେ ବାହ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ଏକଦମ ଟେଷ୍ଟ, ମତଲବ ଏକ ରସଗୋଲା ଖା ଲିଆ ଔର ତିନ ରୁପିଆ ରହ ଲିଆ, ଫେର ତିନ ରୁପିଆ ସେ ତିନ ରସଗୋଲା ଖରିଦ କିଆ। ଖରିଦ କରିକେ ବୋଲେ ଦେଖୋ ଇ ଯୋ ବେଜୋଡ଼ା ହେ, ତିନ ବେଜୋଡ଼ା ହେ ନା, और मैं गुरुदेव तो मेरे शत्रु नहीं मित्र है, फिर गुरु जी को बेजोड़ा कैसे दूं, ये तो ठीक नहीं। फिर और एक रसगुल्ला खाए, दो रसगुल्ला खत्म, अभी दो बाकी रह गया। फिर सोचा गुरुदेव जब जब कोई चीज लाता हूँ, गुरुदेव मेरे को दिए बगैर कभी खाते ही नहीं, गुरुदेव तो हर समय मेरे को देते रहते हैं, इसलिए फिर गुरुदेव को कष्ट क्यों करना पड़ेगा, पहले खुद खा ले। उसने तीन रसगुल्ला खा लिया और एक रसगुल्ला लेकर के आए, गुरु जी को एक रसगुल्ला दिए। गुरु जी ने कहा बेटा तेरे को मेरे को तेने मेरे को चार रसगुल्ला दिया था, चार रुपया दिया था, चार रसगुल्ला के लिए ये एक रसगुल्ला क्या है। बोले गुरु जी आपने कहा था देख करके लाना ना, मीट बढ़िया होनी चाहिए, एक रुपया देकर खा लिया एक। फिर तीन, बोले गुरुदेव आप तो मेरे मित्र, आप तो शत्रु नहीं, इसलिए मैंने एक रसगुल्ला खा लिया। फिर मैंने कहा गुरुदेव शत्रु तो है, तीन कैसे तो अमंगल है। फिर दो कहाँ गया, बोले गुरुदेव जब जब मैं कोई चीज लाता हूँ आप तो मेरे को जरूर दे कर खाते, बिना दिए तो खाते ही नहीं। मैंने सोचा आप इतने क्यों कष्ट करके, मैं ही खा लिया। बोले क्या हमने कैसे खाया, बोले कैसे खाया, उठाए उसको खा लिया, बोले ऐसे खा लिया हमने, ऐसे ही खा लिया, बात चार को चार खा ली। इसलिए यहाँ पर कहते हैं नहीं, ऐसे अगर गुरु जी का सेवा किया तो बढ़ गया, ऐसे अगर गुरु जी की सेवा किया तो नहीं। इसलिए इसलिए यहाँ पर कहते हैं कि शिष्य को निष्कपट होना बहुत जरूरत है। निष्कपट के बगैर सेवा सेवा नहीं होता है, निष्कपट होनी चाहिए। इसलिए कहते निष्कपट शरणागत व्यक्ति के, शरणागत व्यक्ति मतलब होता है जो गुरु जी की चरण में संपूर्ण रूप में शरणागत। ऐसे नहीं गुरु जी एक बोले और गुरु जी को दो बात सुनाते हैं, गुरु जी को दो बात सुनाते, बोले नहीं ऐसे नहीं। निष्कपट और शरणागति व्यक्ति को ही कल्याण होता है। कहते साधु 50 रहे फले हरि भजन करते करते क्रमश अनर्थ निवृत्त हो या परमार्थ स्वरूप जानते बारे। जब गुरु जी से जब हरि नाम लेते हैं, गुरु जी से जब हम हरि नाम लेते हैं, अभी भजन करते हैं, तो भजन करने पर क्या होता है, भजन करने से बोले जितने परिमाण से हम भजन करेंगे, हमारा हृदय में जो काम क्रोध लोभ है उतना परिमाण से ही नष्ट होगा, उतना परिमाण से नष्ट होगा जितने हम भक्ति करेंगे। जैसे सूर्य उदय होने पर, अभी सूर्य उगे ही नहीं, अब देखना चारों तरफ में उजला उजला अपने आप हो जाता है, हो जाता कि नहीं। इसलिए कहते उसी तरह अगर हम सही सही हरिनाम करेंगे, सही सही भक्ति करेंगे, हृदय में जरूर कुछ ना कुछ उपलब्ध होगा। अब कुछ कुछ लोगों को देखना माला तो लेते हैं, कुछ दिन भजन करते हैं, लेकिन कुछ दिन बाद में माला भला छूट जाती है, कुछ दिन बाद माला भला करते नहीं, कहते नहीं, कहते हमारे कुछ हुआ ही नहीं, नहीं। भले ही दूसरे बिजनेस से तुम फेल हो सकते हो, लेकिन भक्ति जगत में अभी तो कोई फेल नहीं हुए है। इसलिए विराह कहती है दिन दिन बढ़त सबायो पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। इसलिए भक्ति जगत में अब तो कोई फेल हुए ही नहीं, ध्रुव प्रहलाद मीरा तुलसीदास हैं, ये कोई फेल हुए हैं, सब के सब सक्सेसफुल हुए हैं। इसलिए भक्ति में कोई फेल नहीं हुए हैं। फिर कुछ दिन भजन करने के बाद फिर भजन क्यों छोड़ देते, कारण क्या, बोले कारण है हम सही सही रूप में हरि भजन नहीं किया है, हरि नाम हमने नहीं किया है। इसलिए भागवत में बताए जैसे भोजन करने का साथ साथ तीन चीज शुरू हो जाता है, भोजन करने पर क्या होता है, तीन चीज होता है। जैसे बड़ी जोर से तुम्हें भूख लग रहा है, अब देखना जब एक ग्रास हम लेंगे, एक 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 बार खाएंगे, एक ग्रास लेंगे, उसी परिमाण के अनुरूप पेट भरेगा, भरेगा
दूसरा ग्रास लेंगे उसका अनुरूप पेट भरेगा, तीसरा ग्रास लेंगे उसके अनुरूप पेट भरेगा, एक साथ में तीन काम होगा, खाने का साथ साथ पेट भर पेट भी भरेगा, और जितने परिमाण में पेट भरेगा उतना परिमाण शरीर में ताकत भी आएगा, शरीर में ताकत भी आएगा, और जितने ताकत शरीर में आएगा उसको परिमाण में उतना तुम्हें पुष्टि मिलेगा, उतने तुम्हें संतोष मिलेगा। जैसे तीन रोटी खा लिया बोले और एक रोटी दो, बोले नहीं नहीं, बोले चलेगा खा लिया, चार रोटी खा ली और एक रोटी नहीं और नहीं चलेगा, बोले नहीं चलेगा एक खा लो, एक करारी रोटी तुम घी में चुपड़ी खा लो, फिर एक रोटी दे दिया खा लिया किसी तरह से खा लिया, बोले देखिए छठवां रोटी देंगे बोले और चलेगा, बोले इसी तरह नहीं और नहीं और नहीं खा सकते। इसी तरह देखना जितने परिमाण में खाते हैं पेट भी भर जाती है, आनंद भी लगता है और शरीर में ताकत भी आता है, एक साथ में तीन चीज होती है। तो उसी तरह जब हम भक्ति करेंगे एक साथ में तीन चीज होगा, बोले भक्ति परेशान भव, परेशान भव मतलब होता है जरूर तुम्हें भगवत अनुभूति होगी, ऐसे नहीं भगत भजन किया तुम्हें भगवत अनुभूति नहीं होगी, बोले कभी कभी अनुभूति नहीं होती, बोले क्यों नहीं होती, बोले जैसे भजन करनी चाहिए नहीं ऐसे नहीं कर रहे, जैसे करनी चाहिए हम वैसे नहीं कर रहे, इसलिए नहीं हो रही है। इसलिए नियम है अगर मन कभी नहीं लगे ना तुलसी वृक्षों के सामने बैठो, तुलसी वृक्षों के सामने बैठो, तुलसी सामने रख करके माला लेकर के हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हृदय से पुकारो। इसलिए बामन गोस्वामी महाराज कहते थे रोना सीखो, रोना सीखो वो कहते थे। एक व्यक्ति गुरु जी के पास आए बामन गोस्वामी महाराज के पास में, बोले गुरुदेव भजन कैसे होगा, भजन नहीं हो रहा है। गुरुदेव ने कहा भैया रोना सीखो, वो तो बड़ा चक्कर में पड़ गया, बोले हम तो साधु के पास में इसलिए आ रहे हैं, संसार में तो हम रो ही रहे, कोई तन से दुखी, कोई मन से दुखी, कोई धन से दुखी, कोई बीवी से दुखी, कोई पति से दुखी, कोई परिवार से दुखी, हम तो रो ही रहे। अब गुरुदेव कह रहे फिर रोना सीखो, अब कितना रोएंगे संसार, उसको समझे में नहीं आया, वो चला गया, रात भर सोचते रहे। गुरुदेव कहते रोना सीखो भैया, अब तो रो रहे हैं। फिर दूसरे दिन फिर घूम करके बामन गोस्वामी महाराज के पास में आए, बोले गुरुदेव हम तो संसार में रो ही रहे हैं, फिर आप कह रहे रोना सीखो। तब गुरुदेव ने कहे बोले देख बेटा, जब तक बच्चा नहीं रोता है ना तब तक मैया तब तक दूध नहीं पिलाती, जब बच्चा रोने लग जाए माँ को पता चली जाती है बच्चे को भूख लगा है, बच्चे को भूख लग रही है, फिर मैया उसको दूध पिलाती है। कहते तो उसी तरह जब तक तुम भगवान के नाम लेकर के नहीं रोगे भगवान के हृदय द्रवित नहीं होगा, इसलिए बेटा रोना सीखो। इसलिए हरि नाम करते समय अपना हृदय से नाम को ले लेकर के अब रो रो करके भगवान को पुकार, हे ठाकुर जी हम आपकी संतान है, आपको भूलने का वजह से हम इसी संसार में आकर के दुखी दुखी हो रहे हैं, ठाकुर जी पुनः अपना चरण में हमें स्थान दो, अपने चरण की सेवा दो है। इसलिए जब रो रो करके हम हृदय से हरि नाम करके जरूर अनुभूति होगी, जरूर तुम्हें अनुभूति होगी है। इसलिए बोले भक्ति, भक्ति करने का साथ परेशान भव, बोले भगवत अनुभूति जरूर होगी, और जितने परिमाण में तुम्हें भगवत अनुभूति होगी, तीसरे गुण क्या है बोले विरक्ति अन्यत्र, पर स्वाभाविक रूप में ये माया संसार प्रति विरक्ति होती जाएगा है। इस संसार का जो माया की जो वस्तु पहले दुनियादारी की इधर उधर की बात पर बड़े अच्छे लगते थे, लेकिन जब तुम्हारे भजन में रुचि होगी ना ये सब बात सुनने के लिए तुम्हें अच्छी नहीं लगी, बोले क्या बेकार की बात कर रहे हो, अरे भगवान का नाम लो भजन करो, क्यों बेकार दुनियादारी की इधर उधर की भजन भजुल की बात क्यों करते हो, अच्छी नहीं लगी तुम्हें पहले, तुम्हें तो अच्छी लगी कब समय मिले गीता पढ़े रामायण पढ़े भागवत पढ़े हरिनाम करे ठाकुर जी का भजन करे, दुनिया की बात से क्या मतलब है, ये स्वाभाविक रूप में। इसलिए यहाँ पर कहते हैं जितने परिमाण से हम भगवान की भक्ति करते जाएंगे उतना परिमाण से जैसे सूर्य उदय होने पर अपने आप ही अंधकार दूर हो जाता है, ये अंधेरा अपने आप दूर हो जाता है,
ये अंधेरा को हटाने का जरूरत नहीं, ये अंधकार अपने आप अंधेरा हट जाती है। कहते उसी तरह जब हम निष्कपट हृदय से भजन करेंगे, अपने आप हृदय की जो अज्ञान है, जो अंधकार है, अपने आप ही हट जाएगा, है अपने आप हट जाएगा। और जितने परिमाण से हृदय से अज्ञान हटेगा, उतना परिमाण से भगवत अनुभूति होगी, है फिर भगवत अनुभूति हमें भगवत अनुभूति होने लग जाएगी, फिर भगवत स्वरूप का अपने आप पता चलने लग जाता है ठाकुर जी को। है एक व्यक्ति ने गुरुदेव ने कहा, बोले गुरुदेव है हमारी भक्ति हो रही कि नहीं हो रही है पता कैसे चलेगा, हमारी भक्ति हो रही कि नहीं हो रही है पता कैसे चलेगा है गुरुदेव है। तो गुरुदेव ने एक उदाहरण दिया, एक लड़की गर्भवती है, उसके पेट में बच्चा है, वो अपना मैया को बोल रहे, बोले मैया मैं जो बच्चे को जन्म दूंगी ना मेरे को तो उठा देना है। ऐसे नहीं सोती रह गई, सोती रह गई और पेट से बच्चा जन्म हो गया। बेटी कह रही मैया को, मैया जब मेरी बच्चा जन्म होगा ना मेरे को उठा देना, अगर मैं सोया होगा होती तो मेरे को पता नहीं चलेगा कब बच्चा जन्म हो गया है। मैया कहती है बेटी तेरे को जगाने का जरूरत नहीं, तू सबको जगा दोगी, तुम्हें जगाने की जरूरत नहीं, तुम पूरा परिवार को तुम जगा दोगी, मुझे तेरे जगाने का कोई जरूरत नहीं। इसलिए गुरुदेव कहते थे, कहते उसी तरह जब तुम्हारे हृदय में भगवत अनुभूति होगी है, इसलिए ये चीज अपने आप पता चल जाएगा तुम्हें, अपने आप हृदय में अपने आप तुमको पता चलने लग जाएगी है। तद निखिल शास्त्र तात्पर्य जगता भगवत निष्ठ भजन परायण साधु ही प्रकृत गुरु बद्ध जीवर मन धर्म अनुकूल जहाँ कथा बोलिया मन का आकृष्ट करिवार चेष्टा कर तारा प्रकृत गुरु पद वाच्य नहीं परंतु जीवर शत्रु। यहाँ पर कह रहे हैं भैया जो गुरु जी की तो गुण तो कुछ होनी चाहिए ना, गुरु जी कुछ गुण होनी चाहिए। बोले गुरु जी के क्या गुण होने चाहिए, बोले पहला गुण होने चाहिए शास्त्र जानने वाले हो, अरे वेद पुराण शास्त्र भागवत रामायण पढ़ने वाले हो, सब शास्त्र जो जानता हुआ होगा। बोले क्यों, बोले अगर वो सारे शास्त्र को नहीं जानते होंगे तो अगर हमारी मन में कोई क्वेश्चन हो फिर वो क्वेश्चन को समाधान नहीं कर सकते, वो प्रश्न को समाधान नहीं कर सकते, इसलिए उनका नाम गुरु। गु मतलब अंधकार, रु मतलब होता है हमारे हृदय की अज्ञान रूपी अंधकार को हटा करके जो दीप आलोक को दे दे, ये गुरु जी का काम है, ये गुरु जी की ये लक्षण है। इसलिए पहला नंबर गुरु जी का पहला गुण है जो सारे शास्त्र को जानता हुआ। बोले दूसरा गुण क्या है, इसलिए बता उसमें दो गुण होनी चाहिए, एक तो उनका तटस्थ लक्षण और एक स्वरूप लक्षण। तटस्थ लक्षण मतलब होता है उनकी जो बाहर का लक्षण है, भाई ये जगत में बड़े बड़े पंडित गीता भागवत रामायण पढ़े हुए हैं, बड़े बड़े पंडित जी, क्या वो गुरु बनने का लायक, बोले नहीं। कहती है बाहर का लक्षण, बोले अंतर लक्षण क्या, बोले अंतर लक्षण ही भगवत निष्ठा होनी चाहिए, एक अनिष्ठ भगवत भक्त परायण होनी चाहिए है। भगवत भजन में केवल बोलने वाले नहीं, अपना जीवन में जो उसको उतारने वाले हो, अपना जीवन में जो उतार दे सचमुच से, जो 24 घंटा जो सचमुच से ठाकुर का सेवा भक्ति भजन में जो उसमें लगा हुआ हो, केवल दूसरों को उपदेश देने के लिए केवल बताते हैं और अपना जीवन में उतारते समय कुछ नहीं करते, नहीं ऐसे नहीं होनी चाहिए, ऐसे नहीं होनी चाहिए। ये भगवत भजन परायण भगवत निष्ठा परायण होनी चाहिए। लेकिन कुछ जगत में ऐसे गुरु है वो क्या करते हैं, आप अगर शुद्ध भक्ति की बात बताओ ना, अब देखना हमारे भारत में भी बहुत सारी संप्रदाय है, देखना वहां पर हजार हजार सत्संग में हजार हजार लोग जाते हैं, हजार हजार लोग वहां पर, हम सोच नहीं सकते लाख लाख लोग का भीड़ है, हैं? कोई कोई हम लोग कहते हैं भैया तुम लोगों को सत्संग में इतना थोड़ी सी लोग है, अब दूसरे सत्संग में जाओ लाख लाख लोग, इतना कम क्यों। तो गुरु जी कहते हैं जीव का जो प्रकृत जीव का जिसमें लाभ है, अगर वो बात कोई बोलो ना फिर भक्ति कोई नहीं करेगा, अगर उसका मन धर्म वो जो चाहते हैं, अरे भक्ति करना है ना सब कुछ खाओ ना, मांस खाने से क्या हो जाता है,
मछली खाने से तब तक शरीर में ताकत नहीं का कैसे करोगे? अंडा खाओ, अंडा खाने के बगैर शरीर में ताकत कैसे आएगा? अरे प्याज लहसुन खाओ ना, चाह पियो, उसमें क्या हो जाता है? इसलिए सब कुछ करो और दिन में एक बार ठाकुर का नाम ले लेना सोने से वक्त एक बार। फिर लोग वहां क्यों नहीं आएंगे? और गौड़ी मठ में बोले मांस नहीं खा सकते हो, मछली नहीं खा सकते हो, अंडा नहीं खा सकते हो, प्याज लहसुन नहीं खा सकते हो। और जो प्याज लहसुन की बात सुनते हैं बोले प्याज लहसुन भी तुम्हारे संप्रदाय में नहीं चलना है, फिर तो फेंट हो जाते हैं। अगर आपको बोलते चाय भी छोड़ना पड़े अपना मर जाते। इसलिए 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 प्रभुपाद ने भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद ने जब प्रभुपाद प्रचार कर रहे थे वो तो भागवत में एकदम जो शुद्ध भक्ति की बात प्रभुपाद ने बताया, एकदम प्रभुपाद शुद्ध भक्ति की बात प्रभुपाद ने बताया है। भक्ति करना तो कली का जो चार जगह को छोड़ो, भक्ति करना चाहते हो जहां पर कली का निवास है कली का स्थान को छोड़ो। जब तक तो कली नहीं छोड़ोगे तो भक्ति नहीं कर सकते हो। इसलिए गधे चीज को छोड़ो, जुआ खेलना छोड़ो, अवैध स्त्री संग छोड़ो है। इसलिए क्या करो, मांस मछली अंडा प्याज लहसुन छोड़ो, जुआ खेलना छोड़ो, गधे चीज को छोड़ो है। छोड़ करके शुद्ध रूप में भक्ति करो। जो प्रभुपाद प्रचार कर रहे थे, दूसरे दूसरे धर्मों को खंडन कर रहे थे ना, सारा दुनिया में डर का बच गया। तो दूसरे दूसरे लोग थे, इतने डर गए प्रभुपाद, इतने डर गए प्रभुपाद से। किसी व्यक्ति ने प्रभुपाद का आकर के बोले, बोले प्रभुपाद आप दो तीन चीज अगर छुटकरा दे दोगे ना, दूसरे संप्रदाय का जितने लोग आकर के तुम्हारी संप्रदाय में मिल जाएंगे, जगत में केवल एक ही संप्रदाय रह जाएगा, ये ब्रह्मा तो गौड़ी संप्रदाय, और कोई संप्रदाय रह ही नहीं जाएगा। इसलिए दो तीन चीज को छोड़ दो, बोले छूट दे दो। बोले कौन सा? बोले पहला नंबर चाय, आप इस चाय को अलाव कर लो। दूसरा नंबर बीड़ी, बीड़ी को अलाव कर लो। तीसरा नंबर प्याज लहसुन को छोड़कर ये दे दो, छूट दे दो। फिर तो तुम्हारी संप्रदाय में देखना केवल तुम्हारी संप्रदाय रह जाएगा और कुछ रहेगा नहीं, केवल एक संप्रदाय। प्रभुपाद ने उत्तर दिया, मेरे को एक चंद्रमा चाहिए, हजार तारों का जरूरत नहीं। हमें केवल एक चंद्रमा चाहिए, हजार तारों का हमें जरूरत नहीं। एक व्यक्ति ऐसे हो सचमुच जैसे एक चंद्रमा पूरा दुनिया को आलोक कर देता है, लेकिन हजार तारे कुछ नहीं कर पाते, हजार तारे कुछ नहीं कर पाते, लेकिन एक चंद्रमा क्या करता है, सारा पृथ्वी को यह आलोकित करता है। एक भक्ति करे सचमुच से दुनिया के उद्धार हो जाए, जिसके उद्धार हो जाए। इसलिए यहाँ पर गुरुदेव कहते हैं जगत में ऐसे कुछ लोग हैं जो बद्ध जीव का मन धर्म, वो जो चाहते हैं, हैं भैया जो कुछ करना करो, हैं जो कुछ करना हो कर लो, लेकिन हाँ भगवान का थोड़ा नाम भी ले लो, बोले नहीं। इसलिए गुरुदेव कहते हैं जो बद्ध जीव का मन धर्म का बात को बोल करके जो उनको आकृष्ट करना चाहते हैं, कहते वो उनका मित्र नहीं, वो उनका शत्रु है, उनका शत्रु है, उनका सर्वनाश कर रहे हैं। ये चीज को नहीं समझ पा रहे, क्यों? ये जो मानव जन्म है, ये 84 लाख जन्म के बाद एक बार ये मानव शरीर मिला। ये मानव शरीर प्रभु बारंबार तुम्हें नहीं देंगे, और ये मानव शरीर नहीं, भगवान राम कहते हैं साधन धाम कर द्वारा पाई न जे पर लो का सवार। भगवान राम समझा रहे हैं, बोले हे अयोध्या वासियों, ये मानव शरीर नहीं, ये क्या है? बोले साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, इसी मानव शरीर में ही तुम भक्ति कर सकते हो, और 84 लाख जीवन में और किसी जीवन में जी भक्ति कर नहीं सकते। ये मानव शरीर नहीं, ये मुक्ति की दरवाजा है। ये 84 लाख जन्म भटकते भटकते ये मानव शरीर नहीं, ये तुम्हें मुक्ति की दरवाजा पर खड़े हुए कोहिनूर हीरे तुम्हें मिले भगवान दिए, कोहिनूर हीरे भगवान तुम्हें दिए, लेकिन पाए न जय परलोक सवारा। लेकिन जो ये मानव शरीर को पा करके परलोक को सुधारने के लिए कोशिश नहीं करते हैं, फिर तो सब आत्महन गति जाई, फिर तो सर पटते रहोगे। भगवान दोबारा तुम्हें ये मानव शरीर नहीं देंगे, और ये मानव शरीर तेरे को मिलेगा नहीं। इसलिए क्या करो, जितने जल्दी से जल्दी हो भगवान की भक्ति करना शुरू कर दो।
बोलो हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 बोलो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। इसलिए गुरुदेव कहते हैं, लेकिन आप देखना जो दूसरे दूसरे जो संप्रदाय जो बात करेंगे ना, आपको बड़ी अच्छी लगेगी। बोले भैया यही यही तो बढ़िया, ये तो अच्छी बात कह रहे हैं। मांस भी खाओ, मछली भी खाओ, अंडा भी खाओ, प्याज लहसुन भी खाओ, और जितने जुआ भी खेलो, जितने गंदे रास्ता पर जाओ, और थोड़ी सोने से पहले एक बार ठाकुर का नाम ले लो, ये तो बहुत अच्छी बात। भगवान की भजन भी हो गया और सब कुछ खाना पीना सब कुछ चलाओ चकाचक, ये तो बढ़िया। अरे ये कौड़िया मटर वाले पता नहीं, मांस भी मत खाओ, मछली भी मत खाओ, और ये प्याज लहसुन और चाय की बात भी मना करते हैं, ये सब बेकार सब गंदी बात, ये सब ठीक बात नहीं है। ये गौड़ीय मठ वाले ये इनका जो भक्ति है ना ये ठीक नहीं है, लेकिन ये लोग सही। लेकिन हमारे गुरुदेव कहते हैं भैया उनकी संगत में जितने अच्छी लगने पर भी उनका संगत में जितने अच्छी लगने पर भी वो संग से दूर रहो, क्योंकि ये तुम्हारी सर्वनाश कर रहे हैं। तुम्हारी मानव शरीर जो तुम्हें मिला, जिस शरीर से तुम भजन करके प्रभु के पास में जा सकते हो हैं, पर वो मुक्ति का मार्ग तुम्हारी बंद कर रहे हैं। लेकिन लग रहा था अच्छी, बड़े मन को प्यारी लग रहा है, सब कुछ करो खाओ पियो हैं, एकदम मस्ती रहो, और थोड़ी जब इच्छा हो थोड़ी भजन कर लो। नहीं तो ऋषि लोग मुनि लोग क्यों तपस्या करते हैं बताओ? ये ऋषि वाल्मीकि नाम क्यों बढ़ा? किसने वाल्मीकि नाम बढ़ा? नारद जब मिले बोले तू राम बोल, वो इतना बड़ा पापी था राम का नाम ही नहीं निकला, पापी था ना, बोले तू बोलता था मारो मारो, अरे मरा मरा तो बोल सकते? बोले हाँ ये तो कर सकता हूँ। इसलिए कहते उल्टा नाम जपते जग जाना, वाल्मीकि भाई ब्रह्म समाना, और नाम लेत भव सिंधु सुखाई, विचार करा सुमन मन माही है। उन्होंने उल्टा नाम लेते 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 सीधा नाम हो गया, और उन्होंने इतने भजन किया। वाल्मीकि मतलब होता है शरीर में दीमक चाट गया उसको, कितने हजार साल राम 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 करते करते पूरा शरीर को दीमक चाट लिया उसको, ऊपर में हुंका हो तो बंगला में हिंदी में क्या बोलते हो? इसलिए था दू, उसको ये हो गया ऊपर पूरा दीमक चाट कर ढेला जैसे मिट्टी का हो गया, ढेला हो गया है पूरा, उसको पूरा मांस चाट लिए। लेकिन जब श्री नारद जी आए, लेकिन उसकी अंदर में मज्जा में पहले सत्य युग में मज्जा में होता था प्राण, केवल हड्डी हड्डी, लेकिन उसका अंदर में भी श्री राम राम श्री राम 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 नाम निकल रहा था। फिर नारद जी उनको दिव्य शरीर प्रदान किए हैं, दिव्य शरीर प्रदान किए। इसलिए क्यों फिर इन्होंने इतनी तपस्या क्यों की? कर्ण की जरूरत है, ध्रुव ने इतना तपस्या क्यों किया? फिर ऋषि मुनि क्यों तपस्या की? अगर ऐसे भगवान मिल गया तो नहीं, उनको पाने के लिए तपस्या की जरूरत है, तभी तो दुनिया में उनके नाम नाम हो रहे हैं, तभी सारा दुनिया में उनके नाम ले रहे हैं, तपस्या किया है भजन किया है। इसलिए यहाँ पर गुरु जी कहते हैं भैया ऐसे संगत से दूर रहो, अगर तुम शुद्ध भक्ति करना चाहते ऐसे संगत से तुम दूर रहो। इसलिए जब तक क्षण कृष्ण कृपा है सौभाग्य क्रमे शुद्ध भक्त कृपा ना हो, तब तक क्षण कृष्ण अभक्त संग जब परम अमंगल आनयन करे ताबूझे परा जाए। इसलिए गुरु जी कहते हैं इनका संगत हमें बढ़िया लगेगी, लेकिन गुरुदेव कहते जब तक तुम्हें ये शुद्ध भक्तों का संग नहीं मिलता है, शुद्ध हरि कथा तुम्हें सुनने को नहीं मिले, सही सही हरि कथा, लेकिन इनका संग जो तुम्हारी अमंगल करने वाले संग तुम्हारी मंगल देने वाले नहीं, तब तक तुम ये चीज को नहीं समझ सकते हो, तब तक तुम समझोगे नहीं यही तो बढ़िया बात कह रहे हैं, हैं बढ़िया बात कह रहे हैं। इसलिए कहते महाभागवत वैष्णव गण गौर कृपा नित्य प्रियजन अशेष भक्ति उन्मुख सुत नाथ दर्शन पदाश्रय वाग्रह। इसलिए गुरुदेव कह रहे हैं शुद्ध भक्त का संग कब होगा? कहते हमें शुद्ध भक्त का संग कब होगा? बोले तभी शुद्ध भक्तों का संग होगा अगर तुम्हारी करोड़ों करोड़ों जन्म का कोई पुण्य उदय हो। इसलिए भागवत में बताए जीवन में शंकर भी पार्वती को भी यही बात कह रहे, बोले पार्वती
है सतसंगति दुर्लभ संसार निमिष दंड भर एक बार शंकर जी कहते हैं बोले अति हरि कृपा जा पर होई पाव देही यह संगत सो ये पार्वती जिसको ऊपर में हरि की विशेष असी मतलब जिसको ऊपर विशेष कृपा एक डायरेक्ट कृपा और एक इनडायरेक्ट कृपा शंकर जी कहते पार्वती जब भगवान की किसी जीव के ऊपर डायरेक्ट कृपा हो जाए ना तभी जीवन में सत्संग मिलता है शुद्ध साधु का संगत तभी मिलेगा जब डायरेक्ट कृपा हो जब तुम्हारी संसार का जन्म मृत्यु दुख कष्ट सब खत्म हो गया तुमको ये संसार में और भटकना नहीं पड़ेगा जन्म मृत्यु चक्र से अभी तुमको निकलने का समय हो गया शंकर जी कहते पार्वती तभी जीवन में शुद्ध संतों का तभी दर्शन मिलेगा फिर तो भगवान की भक्ति जैसे संग वैसे रहेंगे जैसे संग वैसे रहते चलेगा है इसलिए भक्तों का संग मिला है तभी तो कोई जम्मू छोड़कर कोई दिल्ली छोड़कर कोई रशिया छोड़कर कोई चाइना छोड़कर है यहाँ पर राधे राधे बोलो तो वृंदावन में तो कोई हलांड छोड़ करके कोई रोटरडम छोड़ करके सब बॉम्बे छोड़ करके कोई ऑस्ट्रेलिया छोड़ करके कोई ब्रिजविल छोड़ करके सब यहाँ पर आकर क्या कर रहे हो हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं शुद्ध गुरु जैसे दुर्लभ है शुद्ध शिष्य भी दुर्लभ है गुरु मतलब क्या शुद्ध गुरु जैसे दुर्लभ है लेकिन शिष्य दुर्लभ शिष्य भी शुद्ध शिष्य भी दुर्लभ क्यों शिष्य मतलब इसने मंत्र ले लिया कान में तो बोला हरिनाम मंत्र ले लिया हो गया नहीं शिष्य मतलब होता है गुरु जी का जो शासन को सिद्धांत है जो गुरु जी की ऐसे नहीं जब गुरु जी केवल प्रशंसा करे अरे कितने बढ़िया हो कितने बढ़िया से भजन कर तब तो फूल फूल ये तो फूले नहीं समाते हो लेकिन जब गुरुदेव कोई गड़बड़ किया जब तो डांट दिए बोले हम ऐसे हैं हम ऐसे करके आए हैं आपके शासन सुनने के लिए आए हैं गुरुदेव हमारे प्रति अन्याय कर रहे हैं हमें शासन कर रहे हैं गुरुदेव लेकिन जब गुरुदेव प्रशंसा करे तब तो 10 कानों से सुने हैं लेकिन जब गुरुदेव जब थोड़ी शासन कर दिया ना बोले हम नहीं जाएंगे हम तो जा रहे हैं अपने घर में जा रहे हैं हमारे घर में कोई चीज की कमी हम छोड़ सब छोड़ छाड़ कर यहाँ आए और गुरु जी हमें ऐसे शासन कर रहे हैं हमें शासन कर रहे हैं इसलिए श्री प्रभुपाद कहते हैं शासन से ही कल्याण तुम्हारे प्रशंसा से तुम्हारे कोई कल्याण नहीं है प्रशंसा से तुम्हारे कोई कल्याण नहीं होने वाले गुरुदेव जितने शासन करेंगे उतना ही तुम्हारी कल्याण होने वाले जितना प्रशंसा करोगे समझो गड्ढे में जा रहे हो इसलिए गुरु जी की प्रशंसा सुनने के लिए कान ये मत करो गुरु जी जब शासन करते हैं इसलिए जब महाप्रभु ने श्री सनातन गोस्वामी को जब उन्होंने प्रशंसा किए जगदग्रह पंडित को उन्होंने शासन किए तब श्री सनातन गोस्वामी नाराज हो गए महाप्रभु के बारे में बोले प्रभु जी अब तो जगदानंद प्रभु को उन्होंने शासन किया उनको शासन किया था महाप्रभु बोले आप तो उनको अमृत पिला रहे हो और सनातन गोस्वामी को उन्होंने प्रशंसा किए बोले हमें नीम रस पिला रहे बोले शासन किसको करता है जैसे तुम्हारे बेटा कोई गड़बड़ी करेगा तो बच्चे को शासन करते कि नहीं लेकिन बाहर कोई बच्चा गड़बड़ी करेगा अब उसको शासन करोगे करोगे नहीं करोगे तुम अपना बच्चे को ही शासन करोगे नहीं बेटा ये गलती बात है ऐसे नहीं करनी चाहिए हैं अपना जिसको अपना मानोगे तब उसको शासन करोगे जिसको पराई मानोगे उसका शासन नहीं करोगे शासन करोगे नहीं करोगे अपना बेटे को ही शासन करोगे नहीं बेटा गलती बात है ऐसे नहीं बोलनी चाहिए ऐसे नहीं करनी चाहिए इसलिए सनातन गोस्वामी कह रहे आप जगदानंद पंडित को ज्यादा प्रेम करते हो इसलिए आप उसको शासन किए और आप मेरे को प्रेम नहीं करते हो मेरी प्रशंसा की अरे तुम कल का जगह होकर के सनातन गोस्वामी इतने विद्वान इतने पंडित तो उसको ऊपर कैसे दे रहे हो वो दुखी हो गए वो दुखी हो गए इसलिए शिष्य मतलब होता है जब गुरु जी की शासन को स्वीकार कर तभी शिष्य नहीं तो तुम शिष्य कहने का लायक नहीं हो शिष्य कहने का लायक तुम नहीं इसलिए गुरु जी की शासन से ही प्रभुपाद कहते हैं शासन से ही उसका कल्याण होगा उसकी प्रशंसा से उसका कल्याण बल्कि उनकी और प्रशंसा सुनने की मन की भावना जगेगा हाँ गुरुदेव हम इतने बढ़िया बात बताए गुरुदेव हमें ये बोले है नहीं गुरुदेव का शासन ही जीव का कल्याणकारी है इसलिए यहाँ पर कहते हैं
ಅದೇ ಗುರುದೇವ ಕವಿ ಸಾಹಸ ಕಲ್ಯಾಣ ಆಗುತ್ತೆ. ಗುರುದೇವಕ್ಕೆ ಸ್ಟೋರಿ ಸುಣಾಕತಿ, ಸ್ಟೋರಿ ಕಸೋಣ, ಅಚ್ಚೆತರಿಸ ಬನ್ಲೆ ಆಗಲಿ ಬೋಲೆ ಏಕ ಸಮಯ ಧ್ಯಾನ ಲೇಖರಿಸೋಣ ಈ ಸ್ಟೋರಿ ಯಾದಿರಲಿ ಬೋಲೆ ಏಕ ಸಮಯ ಮಂದಿರ ಮೇಲೆ ಜೈಸೆ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿ ರೋಜ್ ಏಕ ಕಲಸಿ ಲೇಖರ ಜಮುನಾ ಮೇಲೆ ಪಾನಿ ಭರನೆ ಜಾತಾ ಥಾ ಜಮುನಾ ಸೇ ಪಾನಿ ಭರ ಕರ್ಕೆ ಓ ಕಲಸಿ ಮೇಲೆ ಲೇ ಆತಾ ಥಾ ರೋಜ್ ಉಸ್ಮೇ ಠಾಕುರ್ ಕೋ ಅಭಿಷೇಕ ಹೋತಾ ಥಾ ಸ್ನಾನ ಹೋತಾ ಥಾ ಏಕ ದಿನ ಉಸ್ನೇ ಕುಛ ಗಡಬಡಿ ಥೋಡಿ ಕಿ ಗುರುದೇವ ನೇ ಥೋಡಾ ಶಾಸನ ಕರ ದಿ ಜಬ್ ಗುರುದೇವ ನೇ ಶಾಸನ ಕರ ದಿಯೆ ಅಭಿ ತೋ ಉಸ್ಕೋ ಏಕದಮ್ ಮನ್ ಖರಾಬ್ ಹೋ ಗಯಾ ಬೋಲೆ ಗುರುದೇವ ಆಜ ಹಮೇ ಐಸೇ ಬೋಲೆ ಸಬ್ಕೋ ಸಾಮ್ನೆ ಗುರುದೇವ ಹಮೇ ಶಾಸನ ಕರ ದಿಯೆ ಅಬ್ ತಮ ಮಂದಿರ ಮೇ ನಹೀ ರಹೇಂಗೆ ಹಮ್ ಘರ ಜಾಯೆ आज हम घर में चले जाएंगे और मंदिर में नहीं रहेंगे. सोचा जब मैं जमुना में पानी भरने जाऊंगा ना कलसी लेकर के जाऊंगा, कलसी को वहीं रख करके अपना घर में चला जाऊंगा. जब उसने कलसी को जमुना किनारा में रख करके जा रहा था, वो जो कलसी ने बोले तू कहाँ जा रहे हो, वो कलसी उसको बुलाया बोले इधर बोले कहाँ जा रहे हो, बोले आज हमें गुरु जी ने शासन किया है, हमें गुरु जी ने हमें इतने शासन किया सबको सामने, इतने बुरे भले सुनाया गुरुदेव, इसलिए हम तो मंदिर में नहीं रहेंगे, हम तो जा रहे हैं अपना घर में जा रहे हैं. बोले देख तो मेरी जीवन की कथा सुन, आज कैसे मैं ठाकुर का सेवा कैसे कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, आज मेरी कथा तो तेरे को सुनाता हूँ, ध्यान देख रहे सुन. बोले सुनाओ. बोले जानते हो मैं कहाँ का मिट्टी था, लोग जहाँ पर टाटी पेशाब करते ना वहीं का मैं मिट्टी था. किसी कुम्हार ने वहां से मिट्टी को काट करके लाए, ला करके इतना छोड़ नहीं दिया मेरे को, धूप में फिर सुखाया, इतने गर्मी मैंने सहन का जो सोच नहीं सकता हूँ, फिर वो छोड़ा नहीं, फिर डंडे लेकर के मार 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 करके मेरे को एकदम मुलायम बनाया, इतने में नहीं छोड़ दिया, फिर खूब पानी डाला, डाल करके अपना प्यार से खूब रोता. अब देखना कुमार कुमार जब मिट्टी का पात्र बनाता कैसे खूब प्यार में रोते, तब भी नहीं छोड़ा. एक चक्की होता है ना, पर चक्की को मेरे चढ़ाया है, चक्की में चढ़ाया, चढ़ा करके उसने उसका अंदर में मेरे को एक कलसी बनाया. अब देखना जब कलसी बनाते उसका नीचे ऐसे हाथ लग करके डंडा होता है, ऐसे ऐसे मारते हैं, ऐसे ऐसे मारते हैं मेरे को मार 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 करके एक मिट्टी की उसने मैंने कलसी बनाया, तब भी नहीं छोड़ दिया, फिर धूप में रख दिया 8-10 दिन तक. फिर धूप में इतने कष्ट मैंने सहन किया, इतने कष्ट सहन किया, इतने धूप, फिर मेरे को छोड़ नहीं दिया मेरे को. अब देखे होंगे जब उसको लाल करते हैं कैसे करते हैं, उसके अंदर कोयला और लकड़ी डाल करके चारों तरफ में बंद कर देते हैं, पूरा मिट्टी से पोत देते हैं, पूरा मिट्टी से, फिर अंदर में आग लगाते हैं, से धीरे 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 वो आग में 4-5 दिन तक वो आग में वो जलता है, वो जलते 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 जा करके वो लाल रंग होता है, मिट्टी काले से फिर वो लाल बन जाते हैं. इतने में फिर मेरे को नहीं छोड़ा, मेरे को फिर फोन बंद करो, इसलिए फिर उसने मेरे को लेकर के छोड़ नहीं दिया, फिर बाजार में ले गया बेचने के लिए. अब देखे होंगे मटकी को जो बेचते हैं, ये किसका फोन है, इसलिए ये बाजार मार्केट में जो बेचते हैं रख देते हैं, एक डंडा रखता हुआ होता है, जो आ गए आएगा ना वो कलसी को ऐसे पकड़ कर उठाएगा, कान पकड़ के उठाएगा और डंडे से मारेगा, है वो ये टूटा हुआ कि टूटा नहीं हुआ तभी पता चल, ठन 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 जब होगा है पता चलेगा भाई बढ़िया है, जो आए वही कान पकड़े और ऊपर उठा दे, अरे वही मारे डंडे लेकर, सब डंडे लेकर मेरे को मारते रहे. फिर किसी भाग्य से तुम्हारे गुरु जी आए और मेरे को भी कान पकड़ कर उठाए, डंडे मारे, डंडे मार कर देखा सही है, फिर उसने खरीदी करके लाए और ला करके अभी तो क्या करते रोज हमें को लेकर फिर पानी में डूबे, तो कल से पानी में दे पर पानी में डूबा देते ना उसको, फिर पानी में डूबे तो है, पानी में अगर किसी को डूबा तो श्वास बंद हो जाता है, फिर मेरे से तुम पानी भर करके रोज ले जाते हो और ठाकुर जी का स्नान में लगता है, ठाकुर जी का जब सेवा करते हो अगुर चंदन कर्पूर होता है, ठाकुर को सेवा करते हैं उससे फिर पानी डालते हैं, करते करते वो कलसी में भी सुगंध आ जाती है, क्योंकि अगर चंदन सेवा सेवा करते हैं ना वो फिर लगते लगते कलसी में भी धीरे धीरे देखना पूरा सुगंध कलसी में भी सुगंध आ जाती है. देखो आज मेरे शरीर में खुशबू निकल रहा है और रोज मैं पानी से
ठाकुर जी का अभिषेक हो रहा है। देखो बेटा, तब भी जाकर के हम ठाकुर जी को सेवा कर रहे हैं, इतने कष्ट सहा, इसलिए कहते जो सहे सो रहे, जो ना सहे वो ना सहे हैं, जो सहे सो रहे, जो ना सहे वो ना सहे, जो सहन नहीं कर सकता है, सहन नहीं कर सकता वो नाश हो जाता है। इसलिए प्रभुपाद अंतिम समय में प्रभुपाद यही उपदेश दे कर गए, बोले देखो सत्य लांछना सत्य गंजना सत्य अपमान सुन करके भी भजन नहीं छोड़ना, भले ही दुनिया छूट जाए, दुनिया तो छूटेगा तुमसे, दुनिया तो छूटेगा तुमसे, लेकिन सब छूट जाए लेकिन हरि भजन नहीं छूटने चाहिए, प्रभुपाद अंतिम उपदेश। इसलिए मेरे गुरुदेव यहाँ पर कह रहे हैं जो भक्ति है ये सुदुर्लभा भक्ति, ये सुदुर्लभा भक्ति सुदुर्लभा है, इसलिए सहन करनी चाहिए, सहन करनी चाहिए। इसलिए साधु गुरु वैष्णव अगर कोई कठोर वाक्य बोलते हैं, समझना आज हमारे भाग्य उदय हो गया है। इसलिए नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं, हैं कबे कबे करीबे शासन, हैं नरोत्तमे करीबे शासन, वो कहते हैं कब ऐसे दिन आएगा मेरे को सखी मंजरिया शासन करेंगी, प्रशंसा नहीं करेंगी, हैं मेरे को शासन करेंगे, क्योंकि गुरु वैष्णव का शासन से ही कल्याण है, प्रशंसा से हमारा कोई कल्याण नहीं, ठीक है ना। इसलिए गुरुदेव कहते हैं दूसरे व्यक्ति का जो बात हमें अच्छी लगी लेकिन उसमें करके शासन ग्रहण करो, ठीक है। अभी खत्म कर दें, कल हमारे जो बड़े गुरु जी, मेरे जो गुरुदेव है, कल उनकी जन्मतिथि है, इसलिए जन्मतिथि है, कल हमारे गुरु जी का उत्सव मनेगा और गुरुदेव की, गुरुदेव का उत्सव प्रसाद होगा। हाँ देखो कल है ना हमारे गुरु जी की तिथि, कल सबके सब यहाँ पर आना क्लास में, फिर आप लोगों को ना एक एक में साड़ी साड़ी नहीं सूट सलवार दूंगा, जो आएगा जो आएगा, जो इसलिए कल शाम को यहाँ कथा में आना, जो आओगे ना हम सूट सलवार कल देंगे, जो यहाँ पर आएगा शाम को आएगा, ठीक है। इसलिए कोशिश करना सब कहने के लिए, और जो बंगाली भक्त लोग आएंगे वो उन लोगों के साड़ी दूंगा, हैं कुछ कुछ भक्त कुछ मंदिर के साड़ी दूंगा, और कुछ कुछ वैष्णव लोगों को कपड़े दूंगा, यहाँ पर भक्त लोगों ने कुछ कुछ दिए हैं, इसलिए वैष्णव को कपड़े दूंगा और जितने माताओं का साड़ी, और आपको सूट सलवार दूंगा साड़ी चाहिए, हम देखे साड़ी, तुम लोग भी सूट सलवार पहन लेते ना। हरे कृष्णा, ठीक है, हरे कृष्णा, बोला हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे, बोल हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे राम 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 हरे कृष्ण।